डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं यूनिट टू जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम के बारे में आपने सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में सुना था कि एटम जो है वो क्या है, एक स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर है और इससे आगे ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में जो एक्सपेरिमेंट किए गए रदरफोर्ड या जे जे थॉमसन या बाकी सभी साइंटिस्ट ने, तो पता चला कि इसका अपना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर भी काफ़ी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके अलावा कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनके बारे में हम अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे कि इनकी डिस्कवरी कैसी हुई और इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो आप एक सेंटेंस नोट कर सकते हैं यहाँ पर, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सबसे जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये जो पार्टिकल है, ये कैसे डिस्कवर हुआ था। तो इसके लिए हम करेंगे एक कैथोड रेज की स्टडी। तो स्टडी ऑफ कैथोड रेज जो है वो उसका एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो ये करते हैं स्टडी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम करेंगे एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, तो वो समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, ए लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब इज टेकन विच इज सील्ड एट बोथ हैंड्स, जो दोनों साइड से बंद है। द ट्यूब इज फिटेड विद टू मेटल इलेक्ट्रोड्स। तो एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। इसको मैं यहाँ पर इधर दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड। तो आगे इसमें है, द ट्यूब इज आल्सो कनेक्टेड विद ए वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या होता है, इससे हम यहाँ पर जो गैस फिल की जाती है उसके प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेशर जो है वो रिड्यूस टू 0.01 मिलीमीटर कर लेंगे। तो और यहाँ पर क्या होता है, इसमें यहाँ पर अरेंजमेंट होता है वोल्टेज पास करने का। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज जो है इसमें सप्लाई की जाती है ऑफ 10,000 वोल्ट। तो उसके बाद क्या होता है, तो ये देखा जाता है कि इस कैथोड की मेटल वाली साइड से कुछ रेज जो हैं वो निकलना स्टार्ट होती हैं और ये रेज जो हैं आगे ऐसे बढ़ती चली जाएंगी और यहाँ पर जाके ग्लास वॉल से स्ट्राइक करती हैं और ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस, मतलब कि शाइनिंग जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो इन रेज को हम बोलते हैं कैथोड रेज। तो ये बाद में प्रूव करेंगे कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप क्या लिखेंगे, क्या ए लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब इज टेकन विच इज सील्ड एट बोथ हैंड्स एंड फिटेड विद टू मेटल इलेक्ट्रोड्स। द ट्यूब इज ऑल्सो कनेक्टेड टू ए वैक्यूम पंप विद द हेल्प ऑफ दिस पंप। द प्रेशर इन साइड द ट्यूब इज रिड्यूस टू 0.01 मिलीमीटर। नाउ वेन ए हाई वोल्टेज ऑफ 10,000 वोल्ट इज सप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इट इज फाउंड दैट द सम रेज आर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड विच प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरोसेंस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्यूब। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट को आप लिख भी लेंगे और इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको नोट करने हैं। एक तो मैं ये बता देता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया था, तो साइंटिस्ट था विलियम क्रूक्स। तो विलियम क्रूक्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। और दूसरा पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए कि गैस का जो प्रेशर है, अगर 1 एटमॉस्फियर रखते हैं जो नॉर्मल प्रेशर होता है, तो आप देखेंगे कि नो करंट इज़ फ्लोइंग। तो कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करता है। दिस इज़ बिकॉज गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होती हैं। और तीसरा जो पॉइंट आपको नोट करना है वो ये है कि अगर प्रेशर जो है वो कम है, 10^-2 एटमॉस्फियर है, तो करंट फ्लो होता है और यहाँ पर कलर्ड ग्लो जो है यहाँ पर, जैसे ये फ्लोरोसेंस मैंने बताया था, तो वो ये पाथ जो है इसका इल्यूमिनेट हो जाता है और इस तरह से आपको दिखाई देता है। तो इस तरह से आपको ये अभी समझ में आ गया होगा कैथोड रेज का जो एक्सपेरिमेंट है।
आगे हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो सबसे पहले है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, तो ये कैसे पता चलता है, अगर आप इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या करते हैं, इनके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर एक क्या बन जाता है, उसी तरह की एक शार्प शेडो बन जाती है। तो ए प्लेस इन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ प्रोड्यूसेस ए शार्प शेडो। तो यहाँ पर क्या होता है, एक शार्प शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो बनती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक सेकेंड पॉइंट देखते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेटीरियल पार्टिकल्स। ये कुछ छोटे छोटे मेटीरियल पार्टिकल्स की बनी है, तो ये कैसे आप प्रूव करेंगे कि अगर इनके पाथ में ऐसे कोई लाइट पैडल व्हील रख दिया जाए, ए लाइट पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ स्टार्ट रोटेटिंग। तो इस तरह से कोई एक छोटा सा व्हील बनाकर मेटल का हल्का सा, तो इनके रास्ते में रखते हैं, तो वो क्या करना शुरू कर देता है, वो रोटेट करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ पार्टिकल जो हैं वो एक्चुअली में स्ट्राइक करते हैं। तो ये था इसका सेकेंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड टुवार्ड्स पॉजिटिव प्लेट। इसका क्या मतलब है वो देखिए, कि अगर इसमें बाहर से कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाती हैं। तो इस तरह से ये डिस्चार्ज ट्यूब है, और यहाँ पर अगर आप ये रेज जो हैं इस तरह से चल रही हैं, अगर आप बाहर आउटर में कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इस फील्ड पर भी क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये कैथोड रेज जो हैं, जो कैथोड वाली साइड से आ रही थी, तो ये क्या होता है कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाती हैं। तो ऐसे ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाती हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो कैथोड रेज के जो पार्टिकल हैं उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। अगर इनके पाथ में कोई मेटल शीट रख दी जाए, तो इसको क्या होता है, जब ये रेज उससे स्ट्राइक करती हैं, तो ये प्लेट जो है इट गेट्स हीटेड अप, तो ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है। तो इसका आप क्या लिखेंगे, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट बिकॉज ए मेटल फॉयल प्लेस्ड इन देयर पाथ गेट्स हीटेड। तो ये एक प्रॉपर्टी थी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आगे कर लेते हैं, दे प्रोड्यूस एक्सरे। ये एक्सरेज प्रोड्यूस करती हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आगे ये जो है, अगर ये रेज इस तरह से निकल रही हैं और इनके पाथ में कोई ऐसा मेटल रख दिया जाता है, जैसे कॉपर हो गया या ये WW क्या है, टंगस्टन, तो इस तरह के मेटल से जब ये उसके भी आगे पार्टिकल्स निकलते हैं, तो इस तरह से जो रेज यहाँ से निकल के आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सरेज, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में कहीं यूज़ होती हैं। तो एक्सरे की स्टडी जो है आप फिजिक्स में करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे कॉज द आयनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच दे पास। जिस गैस से वो गुजरती हैं उसका आयनाइजेशन कर देती हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, आप इसको समझ सकते हैं कि ये कैथोड से जब कैथोड रेज चलती हैं और यहाँ पर कोई गैस है, सपोज हाइड्रोजन है ये सब मान लेते हैं, तो उस गैसेस के एटम्स जो होंगे, तो ये जो पार्टिकल कैथोड रेज के उससे स्ट्राइक करते हैं, तो उस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नॉकआउट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो एच से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एच पॉजिटिव आयन में। तो इस तरह से वहाँ पर क्या हो जाते हैं,
हैं, आयन्स बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन अलग से निकल जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बिकॉज द आयनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच दे पास, जिस गैस से वो गुजरते हैं उसका आयनाइजेशन कर देती है, मतलब कि एटम को आयन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये थी सिक्स प्रॉपर्टी। आगे है दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट जैसे एक्सरे फिल्म आपने ब्लैक टाइप की वो देखी होगी, उस पर जब ये रेस स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ उसको अफेक्ट करती हैं, वहाँ पर वो उसका एक मार्क आ जाता है, निशान पड़ जाता है, तो मतलब ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं जैसे एक्सरे करती हैं। और लास्ट में आपको क्या लिखना है कि द पार्टिकल ऑफ कैथोड रे विच कैरी नेगेटिव चार्ज इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज जो हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और कैथोड रेज की स्टडी से रिलेटेड ही है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। आगे हम समझ लेते हैं ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, कि कैथोड रेज आखिर ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, मतलब कहाँ से ये प्रोड्यूस हो जाती हैं, कैसे होती हैं। तो ये इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखने पर आप समझ पाएंगे। तो ये कैथोड इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव जिसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, और इधर जो है वो ये नीचे लगा लीजिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसे क्या बोलते हैं, एनोड। तो इसमें ऐसा बताया जाता है कि जब यहाँ पर हाई वोल्टेज सप्लाई की जाती है, हाई वोल्टेज के इन्फ्लुएंस में मेटल से कुछ उसके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं, तो वो आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई गैस फिल की गई है तो गैस के एटम से वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और उससे नॉकआउट, नॉकआउट का मतलब होता है कि बाहर निकाल देना फोर्सली, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करते हैं, नॉकआउट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले हैं अगर सभी ने एक एक एटम को हिट किया है और एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो काफ़ी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो आगे और दूसरे एटम को स्ट्राइक करेंगे, फिर आगे और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक काफ़ी हाई हो जाता है और वो हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट होता है। तो इस तरह से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिसे हम बीम ऑफ कैथोड रेज बोलते हैं, वो आगे चलती है। तो इस तरह से अगर ये आपने इधर बनाया है तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर वो क्या करती हैं, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं। तो इस तरह से कैथोड रेज का ओरिजिन बताया जाता है कि इन द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई वोल्टेज सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड मेटल ऑफ कैथोड, दीज इलेक्ट्रॉन्स देन स्ट्राइक विद द गैसियस एटम्स नॉकिंग आउट मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम वेरी हाई एंड ए बीम ऑफ कैथोड रेज जो है वो आगे इस तरह से मूव करती है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। आगे हम स्टडी करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो टू एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर वो कैलकुलेट किया गया था। तो वो टू एक्सपेरिमेंट कौन से हैं वो आपको समझने हैं। तो सबसे पहले तो था डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो जो है वो डिटरमाइन की गई थी सबसे पहले, वो किसने किए थी, जे जे थॉम्सन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसने देखा था कि कैथोड रेस वाला जो एक्सपेरिमेंट है डिस्चार्ज ट्यूब वाला, उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लें और डिफरेंट गैसेस को फिल करें, तो हर केस में जो चार्ज टू मास रेशो है वो सब केस में सेम ही आती थी। तो वो कितनी थी, 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये कूलम्स है, चार्ज कूलम में होता है और मास ग्राम में होता है। तो इस तरह से उसने EM रेशियो पहले तो फाइंड आउट की। और फिर दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो कैलकुलेट किया गया था, दैट वाज डन बाय मिलिकन। तो ये एक साइंटिस्ट था और इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोलते थे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो उसकी डिटेल तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये लेकिन चार्ज जो उसने फाइंड आउट किया था तो वो था इतना कि 1.60 × 10⁻¹⁹ कूलम्स।
तो आपको ये इक्वेशन वन मान लेते हैं और ये इक्वेशन टू मान लेते हैं, तो आपके पास e की वैल्यू है और e बाई m की वैल्यू है, तो आप बताइए कि फर्स्ट या सेकंड किसको किससे डिवाइड करें कि हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए तो क्या पता चलेगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे आप फाइंड आउट कर पाएंगे m की वैल्यू, अगर आप इस e को e बाई एम से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास खाली m आ जाएगा। तो कर देते हैं, तो e की वैल्यू तो कितनी है, 1.60 × 10⁻¹⁹ कूलम, और e बाई एम की कितनी है, 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो नेचुरली ये मास जो आएगा वो ग्राम में आ जाएगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये मास की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9.11 × 10⁻²⁸ ग्राम। तो ये कहीं बच्चों को लग रहा होगा कि ये 8 ऊपर जाके माइनस का होगा तो ये −27 आएगा, लेकिन अगर −27 आएगा तो डेसिमल वो यहाँ होगा, 0.911 होगा। तो आगे इसको शिफ्ट करेंगे तो एक पावर शिफ्ट हो जाएगी, तो इस तरह से ग्राम में मास इतना ही आएगा। और इसको अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करके वो कितना आ जाएगा, 10⁻³⁰ केजी में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात ही लर्न करनी है कि ये जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, इससे कम चार्ज मेजरमेंट नहीं हो सकता है, और इस चार्ज को बोलते क्या हैं, वन यूनिट चार्ज। तो ये वन यूनिट चार्ज है, यानी ये वन यूनिट नेगेटिव चार्ज आप कह सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये वन यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और मास होता है उसका इतना, और ई वाई एम रेशियो ये है, ये आपको लर्न कर लेनी है। और अभी आपको क्या करना है, ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया है इसको हाइड्रोजन के मास से कंपेरिजन करना है। तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन के मास का हम एक रेशियो लेते हैं, तो ये क्या है, ऐसे ले सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राम में कितना आपने फाइंड आउट किया था अभी, वो था 9.11 × 10⁻²⁸, ये ग्राम्स में था। और हाइड्रोजन एटम का भी मास अगर आप ग्राम में कैलकुलेट करेंगे तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये 1.673 × 10⁻²⁴ ग्राम आ जाएगा। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1/1837। तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1/1837 इंटू ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आपको पता चला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1/1837 इंटू क्या हुआ, मास ऑफ एच एटम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का 1/1837 पार्ट होता है। तो पहले ये समझा जाता था कि हाइड्रोजन एटम ही लाइटेस्ट पार्टिकल है, उससे कम मास किसी का नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा ही लाइट वेट पार्टिकल है, और हाइड्रोजन एटम का भी वो 1/1837 पार्ट है। तो ये तो हुआ उस इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में। और जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था वो मैंने अभी आपको कितना बताया था, वो था 1.60 × 10⁻¹⁹ कूलम, और इसको हम बोलते थे क्या, वन यूनिट नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरह क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके पास क्या है, वन यूनिट नेगेटिव चार्ज है, और उसका मास हाइड्रोजन एटम का 1/1837 पार्ट है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का आप डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए, द इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज वन यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड हैज़ मास नियरली इक्वल टू 1/1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन हो जाएगी। आगे देखते हैं
इलेक्ट्रॉन इज़ ए यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ऑल मैटर, तो जितना भी मैटर है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबका सेम ही होता है, चाहे वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो आयरन का है। तो ऐसा नहीं होता कि आयरन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हैवी होगा और हाइड्रोजन का थोड़ा हल्का होगा, तो वो सबका सेम ही होता है। तो ये कैसे पता चला है? द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है दैट शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड रेस के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं आर सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ, वो हर तरह से सेम ही हैं। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कैथोड क्या है, कि कैथोड जो आपने लिया था वो किस मेटल का है उस पे डिपेंड नहीं करता है। और गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, तो ट्यूब में डिस्चार्ज ट्यूब जो ली है उसमें गैस हाइड्रोजन है हीलियम है या उससे कोई भी गैसेज है, तो उससे इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर या मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन किसी भी केस में सेम चार्ज रखता है और सेम ही वो क्या रखते हैं E/m रेशो, तो उससे क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या आ जाता है सेम आ जाता है। तो इन कंक्लूजन के बेस पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज ए यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है जो कैथोड रेस का एक पार्टिकल है जो और नेगेटिवली चार्ज है उसका चार्ज कितना है मास कितना है ये सब आपको लर्न कर लेना है। तो ये था इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसके बाद हम आगे बात में करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में।